जय हिंद। आज हम लोग नरेशन के तीसरे पार्ट में आए हैं। जो भी विद्यार्थी वो सभी आज नरेशन के बारे में यह जानेंगे कि नरेशन जो मेरा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? नरेशन बनाने के लिए हम लोगों ने यह भी देखा था कि चेंज ऑफ पर्सन जो था मेरा SON by 1, 2, 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज हुआ था, जिसमें हमने यह जाना था आई और वी मेरा फर्स्ट पर्सन है और उससे रिलेटेड जो उसका औलाद है, जितना भी मी माइन है ना, अस आवर, ये सब जो औलाद है आई और मतलब वी का, उसमें हम लोग उसको चेंज किए थे फर्स्ट पर्सन के मतलब सॉरी सब्जेक्ट के आधार पर। किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग सेंटेंस मेरा था ना, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस, उसी के सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग बांटे थे। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि अगर सेकेंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार काम करता है, यानी सेकेंड पर्सन यू मिल जाए, योर मिल जाए। तो आप लोग केस में एक छोटा सा बात अध्ययन किए होंगे, आप लोग को याद होगा कि फर्स्ट पर्सन का जो केस होता है वो केस दो होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, जिसको को जिसे लोग पोसेसिव केस भी कहते हैं और पॉजिटिव केस भी कहते हैं। तो पॉजिटिव केस में एक आया था पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक आया था पॉजिटिव प्रोनाउन, है ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को यदि हटाते हैं, देखेंगे पर्सन चेंज अपने हिसाब से होगा ही होगा, आ रहा बात समझ में? तो यदि आप किसी घर से ईंट को हटाते हैं तो ईंट के बदले वहां पे लकड़ी नहीं रख दीजिएगा, ईंट के बदले ईंट ही सेट कीजिएगा, आ रहा बात समझ में? आप किसी से दाल पैचा लिए हैं तो दाले ने पैचा लौटाइएगा कि आटा पैचा लौटा मतलब लौटाइएगा, नहीं ना। दाल लिए तो दाल ही देंगे उसको, है ना। उसी प्रकार से अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को रिमूव करते हैं तो उसके बदले जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही आएगा। पॉजिटिव प्रोनाउन को अगर रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव प्रोनाउन ही आएगा। क्लियर है? ये देखेंगे हम लोग, ये रूल भी साथ साथ फॉलो करेगा। तो आज हम लोग देखेंगे चेंजेस ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इससे पहले वाले भी मतलब कि आप लोग का जो था क्लास उसमें बता दिए थे बाबू, अगर बाहर में अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, जब कोरोना फैल रहा था आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्या नहीं करना है, सबसे पहले घबराना नहीं है, आ रहा बात समझ में? नहीं समझ में? वही है। तो अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो तो सॉरी फ्यूचर में हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं, अर्थात टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो परिवर्तन आएगा किस में? एक तो पर्सन में आएगा और दूसरा एडवर्ब वगैरह में आएगा, आ रहा बात समझ में? अगर इस तरफ नाउन है तो देन हो जाता, THEN देन, आया बात समझ में? नहीं समझ? चलिए तो रूल्स पे नज़र डालते हैं। चलिए पहला रूल्स एंड यूजेज में लिखेंगे आप लोग, रूल्स एंड यूजेज में आइए देखते हैं। लिखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी से किसको संकेतित करते हैं, डिनोट करते हैं किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को, तो यदि आरबी कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय निम्नलिखित
नियमों का पालन किया जाता है। आइए, यहाँ पर एक पॉइंट उठ कर क्या रहा है, इतना स्ट्रेस में का है आज तुम, इसका टेंशन काहे लेता है, हम इसको कट कर देते हैं। आए वास में रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ऐसे हम बोल रहे हैं? हाँ चलो, यदि रिपोर्टिंग भार प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग भार यदि किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। तो जो मेरा पहला चेंज जो होगा, यहां देखेंगे जो मेरा से रहेगा या सेज रहेगा या सेज टू रहेगा, क्लियर है, से या सेज टू, सॉरी सॉरी, से तो से ही रह जाता है ना, से या सेज, से या सेज, अटीओ टू, ध्यान देंगे विशेष नियमों के तहत ही हम लोग से को भी बदल देते हैं, ठीक है, पर साधारणतः जब तक से टू नहीं रहेगा, सेज टू नहीं रहेगा, तो हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो से या सेज टू बदल जाएगा किस में, टेल या टेल्स में, हाँ। तो कहता है सेज टू यदि रहता है तो कहाँ भाग जाएगा, टेल में, है ना, इसका डायरेक्शन सही करो, अगर सेज टू रहेगा तो वो कहाँ जाएगा, टेल्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, टेल्स में जाएगा। पहला चेंजिंग आपको वहीं देखने को मिलेगा। दूसरा चेंजिंग क्या होता है कि आपका जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वो किस में बदल जाता है, दैट में बदल जाता है, कोई दिक्कत है। नंबर तीसरा चेंजिंग आपको क्या देखना पड़ता है, एस ओ एन वो बदलता है किसके हिसाब से, वन टू थ्री, आ रहा समझ में, एस ओ एन वो कहाँ बदलता है किस में, वन टू थ्री में। और हम लोग ध्यान देते हैं, ये तीन चीजें चेंज होती है, क्लियर है, से रहेगा तो वो बदल, से टू रहेगा तो टेल में बदलेगा, सिर्फ से रहेगा तो नहीं बदलेगा, ठीक है, से टू रहेगा तो वो कहां बदलेगा, टेल में, सेज टू रहेगा तो वो कहां बदल जाएगा, टेल्स में, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वो किस में चेंज होगा, तो दैट में होगा, और एस ओ एन वो किसके आधार पर बदलेगा, एस ओ एन यानी वन टू थ्री, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन, नो चेंज, क्लियर है। अब यहां नोट आपको एक ध्यान रखना है, जो आदमी बराबर गलती कर देता है, कहते हैं ध्यान रहे यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का एडवर्ब चेंज नहीं होगा। ये बड़ी बात खुल करके आई कि ध्यान रहे रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का एडवर्ब अर्थात नाउ देन टुडे दैट डे में चेंज नहीं होगा। आगे बढ़े क्या, एग्जांपल देखिएगा, चलिए, राम सेज टू गीता आई लव यू, आप यहां पे देखेंगे क्या हो जाएगा, राम का तो बेचारा राम रहेगा, और उसके बाद देखेंगे आपका यहां पे प्रेजेंट में है ना, और यहां भी प्रेजेंट में है, हम ऊपर में लिखे हुए हैं कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो हमको भीतर वाले के टेंस से कोई लेना देना नहीं है, जब तक मेरे पास प्रेजेंट और फ्यूचर का पावर है तब तक कोई मतलब नहीं, तू जैसे रहेगा ना वैसे लिखेगा, हमको तुमसे मतलब नहीं है। राम सेज टू किस में बदल जाएगा, सेज टू बदल जाएगा टेल्स में,
और उसके बाद क्या लिखेंगे? गीता। राम टेल्स गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे? दैट। फर्स्ट पर्सन कौन है? सॉरी, सब्जेक्ट कौन है? आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान देते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है ना, प्रोनाउन है ना, फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये राम से जाकर पूछेगा भैया तुम्हारे लिए प्रोनाउन में कौन सा सा सब्जेक्ट आ सकता है? तो ही, ही। ही से पूछो तुम वर्ब कौन सा लेता है? कारण बाहर में प्रेजेंट है, तो क्या कहेगा? भैया हम, लगता है वॉइस का असर नहीं उतरा क्या अभी तक? हाँ, भीतरी कैसे बोल दिया? ही लव्स अ, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है क्या? कौन? गीता। गीता से पूछो, गीता दीदी है ना, दीदी, अरे ओ दीदी है ना, दीदी, अरे ओ दीदी, तुम जो यू है सेकंड पर्सन है गीता। गीता कहता ई, देखो यू सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है और ऑब्जेक्ट में भी सेम टू सेम होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। दीदी जा पूछो, अरे ओ गीता दीदी, ये जो यू है वो तो तुम्हारे हिसाब से चेंज होगा, तो तुम तो हो यहाँ पे नाउन, तो तुम्हारे लिए कौन सा होगा यूज प्रोनाउन? कहेगा सी होगा। और सी से पूछो भैया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस कौन है? तो हर, एच ई आर। कोई दिक्कत है क्या आपको? दूसरा देखेंगे, इसमें तो सेज टू दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई रीड, आई एम रीडिंग माई बुक। नित कहेगा इसको सिर्फ प्रेजेंट पे कहता है, आई एम रीडिंग माई बुक, इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्या हो जाएगा? राम, अब तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो खत्म हो गया, सेज टू रहता था ना, कोई आदमी उस तरफ बैठा हुआ नहीं है। क्या हो जाएगा? राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब फर्स्ट पर्सन, अरे ओ आई, किधर है जाएगा? तो कहेगा राम के हिसाब से, राम से पूछेंगे तुम्हारे लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा सब्जेक्टिव केस में, कहेगा ही। ही से कहो तुम अपने साथ क्या लेते हो? एम इज आर। तो क्या कहेगा? हम इज एक्सेप्ट करते हैं, और रीडिंग वीडिंग में से कोई मतलब ही नहीं है अभी। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राम। राम से कहेंगे भाई राम, हे राम, आपका जो सब्जेक्ट है आप तो ये कौन सा है? नाउन से पहले आया है, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव कहेंगे राम जी आपके लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा? तो कहेंगे ही, एच ई ही। ही से पूछेंगे ही आपके लिए पजेसिव एडजेक्टिव कौन उठ के आएगा? तो क्या कहेगा? हिज। क्या कहेगा? हिज। एनी डाउट किसी विद्यार्थी को? तो इसको डाउनलोड कीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाला सही बोले, स्क्रीन ना, स्क्रीन कान घुमा देंगे तो बच्चा कहेगा हमारा बेइज्जती हो गया, थोड़ा मारते हैं कि तुम्हारा फसरी चढ़ा देगा बिहान दे। समझाता नहीं है ये सब बात, बताओ हमें ना मारेंगे तो क्या मारेगा? जो बच्चा टीचर से मारने खाता ना सबसे ज्यादा बिगड़ा होता, टीचर डेंगाएगा कोई कुछ बोलेगा, ठीक मार लो मास्टर साहब। गार्जियन भी बड़े बच्चे के मास्टर एक शिकायत करते, जानता है मास्टर बाद दूल्हे पर मारबो करेगा तो ओकड़े भिड़ जाएगा। आइए हम लोग ये कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिस टाइप के नियम हमने अभी पढ़े, फर्स्ट रूल पढ़े, उसी रूल पर आधारित हम लोग इन एग्जाम्पल्स का को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। आइए लुक हियर, पहला क्वेश्चन कहता है राम से, सॉरी ये प्रभु, मेन बात है ना, राम नाम की ऐसी लत लग गई है, किधर भी राम दिखता है हमको। आई, आई क्या हो जाएगा? आई से, तो टू के बाद टू वगैरह यूज नहीं तो छोड़ देंगे वैसे ही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या अप्लाई होगा? दैट। फर्स्ट पर्सन, हाँ, जब मिल पड़े बिछड़े दो यार कुंभ के मेले वाले, फर्स्ट पर्सन आई, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट कहेगा आई है, अपने एक जात भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर हो गया, क्योंकि यहां भी तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट खुद आई है। आई से कहिएगा भाई तुम्हारे लिए ये पजेसिव एडजेक्टिव का कौन काम करेगा? तो कहेगा माई करेगा, किधर खोज रहा है वही है, टेंशन मत लो, लिख दो वही का वही। आगे बढ़े क्या? केस बदलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो केस वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं जो आपको फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बताए थे, वीडियो वाले को बोल रहे हैं।
आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा, यू से तो क्या हो जाएगा, यू से कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा के बदले क्या अप्लाई करेंगे, दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन आई को हटाना है किसके हिसाब से, यू के हिसाब से। आई से पूछे तुम है क्या, कहेगा हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट हैं, हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट पर्सन भी हैं और सब्जेक्ट भी हैं, तो कहेंगे फर्स्ट पर्सन बदलता किसके हिसाब से है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से। यू से जाक पूछो भैया यू इसका सब्जेक्ट कौन है, यू। और यू से जाक पूछो भैया तुम्हारे लिए चेंज कौन होता है, तुम्हारे लिए कौन सा, तुम यू है, यू के लिए सब्जेक्टिव केस कौन अप्लाई होता है, कहेगा यू मेरे लिए तो मैं खुद आता हूँ, अकेला बाल बच्चा में है ना, अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। आई कट, सॉरी यू कट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार पकड़ो सब्जेक्ट को, यू, यू को पूछो भैया तुम्हारे लिए, ये तो नाउन से पहले आया, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अब कहेगा यू तुम्हारे लिए एडजेक्टिव कौन है, कहेगा मेरे लिए एडजेक्टिव योर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव मेरे लिए कौन है, योर। एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर थ्री में आइए, कहता है सी सेज, हम भी देंगे सी सेज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट, सी सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, आई को कहो भैया तू कौन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, मैं हूं जो बदलता हूं सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, ध्यान देंगे वो वर्ब नहीं, आपको पहले बताएं टोटल का टोटल सेंटेंस रखा हुआ है उधर, उसके सब्जेक्ट था सी, सी से पूछो दीदी, दीदी तुम्हारे लिए सब्जेक्ट कौन होगा, दीदी कहता है हम खुद थर्ड पर्सन का हैं, तो हमारे लिए कौन होगा, सी खुद आता है, सी 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 के साथ वर्ब का क्या मारू, पहला रूप कट की कट्स, टेंस का भी ना ख्याल रखेंगे, मतलब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हम लोग सेम सेम रखेंगे, क्योंकि बाहर में जब तक पास्ट नहीं हो तब तक टेंस और एडवर्ब में कोई चेंज नहीं लाते हैं। सी सेज दैट सी कट्स, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, सी से पूछो रहे हो दीदी तुम्हारे लिए जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन आएगा, कहेगा सी के लिए हर आता, कौन आएगा, हर। एनी डाउट किन्हीं विद्यार्थी को, लाला को, लाली को, बाली को और नाली को, नो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर फोर में देखेंगे, आप देखो एगो तुक्का मिल गया मेरे पास, राम 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 सीता राम है ना, राम का नाम भी बड़ा अच्छा चीज है, अगर राम राम कहो तो ठीक है इंप्रेशन, राम राम ठीची हो गया, भगवान राम का नेचर था ठीची, मतलब राम का भी नाम एक्सप्रेशन के आधार पर यूज करता है, क्या बताएं, आई लव राम एंड आई लव वर्षा है ना, जब बारिश होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव वर्षा सेज राम सेज, तो यहां क्या हो जाएगा, याद कीजिए रूल में सेज को बदले थे टेल्स में, कहां बदले थे, और ध्यान रखेंगे सेज का ही नहीं बदलेगा, सेज टू रहेगा तब बदलेगा, सेज टू बदल गया किस में, अहिम तो बेचारा वैसे का वैसे ही रह गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले क्या अप्लाई किए दैट, अब चलिए यू, हाँ यू फर्स्ट पर्सन है, हाँ सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का, तो सेकंड पर्सन बदलता किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट, अब हिम को जा पूछो रे हिम तुम्हारे लिए सब्जेक्टिव केस कौन अप्लाई होता है, तो हिम कहेगा वो सामने वाला ही अप्लाई होता है, कौन होता है ही, आई शुड वगैरह यूज हुआ है मॉडल भर में, नो दिक्कत, शैल विल छोड़ के, यू शुड माइंड मीन्स क्या होता है, मतलब रखना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ही को, ये हिम को पूछो अरे ओ भाई एक मदद कर दो, हिम वाले घर में जाकर पूछेंगे कि तुम्हारे घर में जैसे नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है, तो हिम वाले घर में जाके पूछेंगे भैया ये हिम जो है उस घर में पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है, तो क्या जवाब देगा, हिज बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर लैंग्वेज, जबान पे लगाम लगाओ, क्लियर है, हम एक लिखेंगे किताब जिसका नाम होगा माइंड योर ओन बिजनेस, आप ध्यान दो, लिखा हुआ है राम सेज टू हिम, तो पहले तो बेचारा राम होगा,
उसके बाद सेज टू बदल जाएगा किस में, टेल्स में हो गया क्या? नहीं सर, अच्छा सेम सेम है, अच्छा हिम हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा बदले दैट इस्तेमाल करेंगे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं थर्ड पर्सन, अरे मैं नहीं इधर दे थर्ड पर्सन नो चेंज दे सुड माइंड दियर थर्ड पर्सन नो चेंज ऑन बिजनेस ऐसे तुम लोग क्लास में हल्ला करेगा ना तो वीडियो में कहेगा कि देखो उसको आता है से, ऐसी तो बदनाम है कि लालू सर गाइड से पढ़ाते। अब तो अपन लिख दिया, अब की खोजता, एमएससी नहीं कह लेने तो किताब लिख देते हम, सॉल्यूशन का लिखते किताब। तुम लोग का चचा देखते कहते देखो ये मास्टर बात और किताब लिखा हो। आइए देखिए राम सेज टू देम, यहां भी वही केस हो जाएगा, सेज टू बदलेगा। देखो चेंज अ स्टेप बाय स्टेप करो, राम है राम लिख दिया, सेज टू बदल जाता किस में, टेल्स में, देम तो देम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बदले दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यू है यहां पे सब्जेक्ट, ये बदलेगा इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, देम खुद ऑब्जेक्ट है, जाके कहेगा हमसे मतलब नहीं रखो, तुम सब्जेक्ट है जाके सब्जेक्ट को उठाओ, है ना, हम तो क्या है, हम ऑब्जेक्टिव केस हैं, हम कौन सा केस हैं, और तुम सब्जेक्टिव केस है। देम कहता है हमारे घर में सब्जेक्ट बैठा हुआ है कौन, दे, उसको उठा कर लाओ, क्या हो जाएगा, दे के साथ सुड तो बेचारा वैसे ही अप्लाई होगा, दे सुड माइंड सेकंड पर्सन। अब फिर जाके इसको पकड़ेंगे, रे बताओ तुम्हारे लिए कौन आएगा, कहेगा है हम तो ऑब्जेक्टिव केस हैं, हम आपको क्या चाहिए, तो नाम से पहले आल है पॉजिटिव एडजेक्टिव, देम को पकड़ेंगे, हम सेकंड पर्सन है, हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, पकड़ो ऑब्जेक्ट को, दू थप्पड़ दो इसको, इसको थप्पड़ देने के बाद बताएगा कि हम ऑब्जेक्टिव केस हैं, जो दियर है ना टी एच ई आई आर, यही है मेरा कौन, देम बताएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव मेरा कौन है, दियर है, तुम उसको उठा ला, हमको मत मारो, हम इंसान आदमी है, है ना, दियर ऑन बिजनेस। कोई दिक्कत है कि नहीं बच्चे को, आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट हम कल आपको समझा देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। चलो रूल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट लेना ताकि जल्दी समझ जाओ। आइए हम लोग ध्यान देते हैं सेकंड रूल पे, सेकंड रूल आपका है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इनवर्टेड कॉमा के पहले पास्ट टेंस में हो तो उसे इनडायरेक्ट रूप देने हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। चलिए अगर इनवर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट में होता है उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं वो आप लोग देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरा सेड टू होता है वो बदलता है किस में, टोल्ड में। हाँ सेड टू बदलता है किस में, टोल्ड में, ये एक बढ़िया बात है। सेड सेड रह जाता है और विशेष केस में सेड या सेड टू, एक सेकेंड चलिए ध्यान देते हैं, सेड या सेड टू ये बदलता है किस में, टोल्ड में, है ना, ये बदल जाता है किस में, टोल्ड में। तो ध्यान देंगे हमारे डीएनए में इसको बदलने के लिए बताया गया है, और हर हमेशा ये नहीं बदलता है, सेड टोल्ड में नहीं जाएगा, आया बात समझ में, जब हमें लग जाएगा कि भीतर में मेरे पास सेकंड पर्सन मौजूद है जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो ऑब्जेक्ट घुसेड़ करके तब बदलेंगे, ठीक है, इस तरफ से ऑब्जेक्ट यहां पे घुसेड़ देंगे यानी कॉमा के इनवर्टेड कॉमा के पहले और तब हम लोग उसको टोल्ड में और लेंगे। उसके बाद देखेंगे एस ओ ए सॉरी कॉमा इनवर्टेड कॉमा हर साल की भांति इस साल भी डेट में। तीसरा रूल देखेंगे एस ओ एन बदलेगा किस आधार पर, एक दो तीन के आधार पर। चौथा देखिएगा छिक छिक आग रुक जाता है, बड़ा टेंशन।
एडवर्ब अपने नियमानुसार परिवर्तित, अरे परिवर्तित देखो सही है जी, होते हैं, देख लेना मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, परिवर्तित सही है, होते हैं। और पांचवा जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपने संगत पास्ट टेंस में बदल जाता है। ये बड़ी बात आपके सामने खुल करके आई, दो बातें इससे पहले आपको बता चुके थे कि भैया अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो चेंजिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती। किस में? एडवर्ब की, एडवर्ब की चेंजिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती और ना ही टेंस के चेंजिंग की मतलब की गुंजाइश होती है। अगर भीतर में पास्ट है तो पास्ट है छोड़ देते थे, क्लियर है। लेकिन यहां कहता है अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और यहां देखेंगे यहां हो तो हो, यहां एक एक यहां छूट गया है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो, हाँ हाँ यहां यहां ध्यान देंगे, यहां एक छोटा सा टर्म छूट गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में हो? प्रेजेंट में हो, तो उसे इनडायरेक्ट रूप देने हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। तो कौन सा नियम का पालन किया जाता है? पहले सेड या सेड टू को हम लोग टोल में बदलते हैं। जनरली सेड सीधे न, मतलब कि टोल्ड में नहीं जाता है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कर देंगे। कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा चेंज होगा किस में? डेट में होगा। एस ओएन बदलेगा किसके हिसाब से? वन टू थ्री, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। एडवर्ब अपने नियमानुसार परिवर्तित होंगे, यानी कि जो एडवर्ब होगा वो अपने रूल, जैसे नाउ का देन हो रहा था, टूडे का दैट डे हो रहा था, उसी हिसाब से चेंज होंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब कह रहा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यानी इनवर्टेड कोमा के भीतर वाला का टेंस अपने संगत पास्ट टेंस में बदल जाता है। अपने संगत पास्ट टेंस में क्या करता है? वो बदल जाता है उसी में, यानी अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वो कहां भाग जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो कहां भाग जाएगा? ध्यान देंगे, करा एडवर्ब अपने नियमानुसार परिवर्तित होंगे और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा अगर वह प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो वो बदल जाएगा किस में? पास्ट इंडिफिनिट में। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट का है तो बदल जाएगा किस में? पास्ट परफेक्ट में। अगर वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो बदल जाएगा किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो वह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्लियर है। आइए तो थोड़ा सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए ये चार टाइप का आपके सामने रखा हुआ है, इसके बाद का नेक्स्ट टाइप जो मतलब इसी टाइप का होगा और पांच छह सात हम लोग कल एग्जांपल्स कल पढ़ लेंगे, सॉरी इसी टाइप का पांच छह एग्जांपल्स हम लोग कल पढ़ लेंगे, आज इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखेंगे। पहला आ रहा है करा राम, सेड टू बदल जाएगा किसमें? टोल्ड में। किसको? कॉमा इनवर्टेड कॉमा बदले दैट। आई का क्या? फर्स्ट पर्सन ही के साथ यहां हैव, तो हैज सोचेंगे लेकिन देखेंगे बाहर में तो पास्ट रखा हुआ है, हम भी क्या कर देंगे? पास्ट कर देंगे। हैव बदल जाएगा हैड में, है ना। अ न्यू पेन,
अब तो और दिन हो गया होगा। राधा सेड टू गगन, क्या हो जाएगा? राधा सेड बदल जाए किसमें? टोल्ड में, गगन कॉमा इनवर्टेड कॉमा कहां चेंज होगा? दैट में। उसके बाद कर रहा है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलेगा किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में। ही हेल्प्ड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्प्ड हर। तीसरा देखेंगे आई सेड टू यू क्या हो जाएगा? आई टोल्ड यू कॉमा इनवर्टेड कॉमा बदले दैट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कहता है थर्ड पर्सन दे हैव ये तो बदलेगा ना जी हाइड टू किच। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन करा राम सेड टू मी क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी कॉमा इनवर्टेड को बदले डैट इस्तेमाल करेंगे। राम टोल्ड मी इधर थर्ड पर्सन नो चेंज क्या हो जाएगा? दे आर का क्या हो जाएगा? वर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिज फ्रेंड्स फ्रेंड्स दे वेयर हिज फ्रेंड्स। किन्हीं को डाउट है? यहां से सॉल्यूशन है। किन्हीं को डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो लिखेंगे वो डाउनलोड कीजिए। इसके बाद हम लोग कल नए नियमों के साथ मिलेंगे अपने समय से। तब तक के लिए जय हिंद।